हाँ जी बच्चों, कैसे हो? हम लोगों ने बच्चे अपने लास्ट लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट किया था और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग देख रहे थे। आज मैं आपसे इसी बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और बिल ऑफ एक्सचेंज की कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेन पार्ट है वो जर्नल एंट्रीज ही हैं। तो आज मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज चलती हैं, एक सेलर और एक बायर। बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज हैं, एक सेलर और एक बायर। सेलर क्या करता है? सेलर गुड सोल्ड करता है। बदले में बायर उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यही बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर के लिए क्या बनता है? बिल रिसीवेबल, यानी कि एक एसेट। यही बिल ऑफ एक्सचेंज बायर के लिए क्या बनता है? बिल पेएबल, यानी कि एक लाइबिलिटी। बिल पेएबल यानी कि एक लाइबिलिटी। तो सेम बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक पार्टी के लिए क्या बन गया? एसेट यानी बिल रिसीवेबल। दूसरी पार्टी के लिए क्या बन गया? बिल पेएबल यानी कि आपकी लाइबिलिटी। अब किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस को कैसे होगा, वो हम लोग देखते हैं। मैं आपके साथ ना एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, एक बेसिक क्वेश्चन से मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1। मनीष सोल्ड गुड्स टू कुमार। यहां सेलर कौन है? मनीष। तो मनीष ने गुड्स सोल्ड किए किसको? कुमार को, टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 की वैल्यू के। ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेएबल 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 महीने के बाद पेएबल है। कुमार ने भी उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, कुमार ने रजामंदी दे दी है कि जी ठीक है, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। एंड रिटर्न इट टू मनीष ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर मनीष को रिटर्न कर दिया है। मनीष प्रेजेंटेड द बिल टू कुमार हु ऑनर्ड इट। ऑनर्ड का मतलब है पे कर दिया है। राम राज्य चल रहा है जी, ड्यू डेट पर पैसा मांगा और पैसा दे दिया गया, कहानी खत्म। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों की पार्टीज में आपको जर्नल एंट्री करनी है, मनीष की बुक्स में भी और कुमार की बुक्स में भी। आइएगा आंसर नंबर 1। इन द बुक्स ऑफ मनीष, मैं दोनों की साइड बाय साइड बना रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ कुमार। फॉर्मेट वही है जो आपकी जर्नल का फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम है, डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम है। देखना आप, पहली एंट्री क्या है? पहले क्या बनी नरेशन? मनीष सोल्ड गुड्स टू कुमार 10,000 के। तो गुड्स किसने सोल्ड किए? गुड्स सोल्ड किए मनीष ने। अगर मनीष गुड्स सोल्ड करेगा तो मनीष के बुक्स में सेल्स की एंट्री होगी, और उधार पर गुड्स सोल्ड हुए हैं तो एंट्री आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स, के भाई मनीष ने 10,000 के गुड्स सोल्ड किए किसको? कुमार को। तो मनीष के लिए क्या हो गया? कुमार, मनीष के लिए कुमार एक डेटर हो गया, और सेल्स उसकी इनकम हो गई, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुमार ने परचेज किया है, तो कुमार की बुक में आप लोग एंट्री शो करोगे परचेज की, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट 10,000, 10,000।
कुमार की बुक में एंट्री हो गई परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट 10,000 10,000, और मनीष की बुक में एंट्री हो गई कुमार टू सेल्स 10,000 10,000। नरेशन भी पूछोगे आप मेरे से? बताओ, इतने बड़े हो गए हो अभी भी नरेशन का वेट कर रहे हो, सर कब लिखोगे? कुछ भी अलग नरेशन नहीं है भाई, सेम है। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, पहली एंट्री क्लियर? क्लियर सर। डेट क्वेश्चन में है नहीं। ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना। अब आप अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए बिल रिसीवेबल है और किसके लिए बिल पेबल है? बताओ मुझे। जिसने गुड सोल्ड करे हैं उसको इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, तो मनीष के लिए ये बनेगा बिल रिसीवेबल। एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार 10,000 10,000। समझे भाई? मैं मनीष हूं, मैं आप कुमार हो, मैंने आपको गुड सोल्ड किए, तो पहले मुझे पैसे किससे मिलने हैं? कुमार से। तो पहले मेरा डेटर कौन बना? कुमार। लेकिन ड्यू डेट पर क्या हो गया, सॉरी, जिस दिन मैंने सोल्ड किया उसी दिन मुझे, पहले मैंने कुमार को अपना डेटर बनाया, उसके बाद कुमार से मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, तो अब कुमार मेरी बुक से ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए एसेट कौन बन जाएगा? वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको मैं नाम दूंगा बिल रिसीवेबल, बीइंग बी आर रिसीव्ड। यहां पर आप एंट्री करोगे, अब कुमार को पेमेंट करनी है, आप कुमार हो, आपको पेमेंट करनी है। अभी आपके लिए लाइबिलिटी कौन है? अगर आप फर्स्ट एंट्री में देखो, अगर आप फर्स्ट एंट्री में देखो तो आपके लिए लाइबिलिटी कौन है? मनीष। इसलिए आपने मनीष को क्रेडिट किया था। अब वो लाइबिलिटी खत्म होके मनीष जी खत्म हो रहे हैं, मनीष अकाउंट डेबिट, और नई लाइबिलिटी आप किस नाम से बनाओगे? आप बनाओगे बिल्स पेबल अकाउंट, मनीष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। 3 महीने बाद, अच्छा यहाँ पर ना ये लाइन है जो आपको कई बार कंफ्यूज करती है कि ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, कुमार एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू मनीष। आप कुमार हो, मैं मनीष हूँ, मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं, आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपको वो पेमेंट मुझे करनी थी, तो आपने मुझे एक बिल एक्सेप्ट किया। अब वो बिल बनाएगा कौन, आप या मैं? सर मैं बनाऊंगा, मुझे पैसे लेने हैं ना, तो लैंग्वेज मैं लिखूंगा, मैं बनाऊंगा। मैंने उसमें लिखा क्या कि मैं कुमार, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है सर कुमार तो हम हैं, आप ही हो सर कुमार, सुन तो लो। मैंने उसमें क्या लिखा, मैंने उसमें लिखा मैं कुमार आज से 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो वो हो गया प्रॉमिसरी नोट। मैं बना रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं क्या लिखूंगा कि मैं सुमित त्यागी, सुमित त्यागी नहीं हूं मैं मनीष ऑर्डर देता है किसको, कुमार को, आपको, कि आप पेमेंट करें मनीष के, और अब मैं आपको ये एक्सेप्ट करवाता हूं, आप इस पे साइन करोगे यस वी एक्सेप्टेड डेट वी विल पे दिस अमाउंट ऑन अ ड्यू डेट डेट इज आफ्टर 3 मंथ्स। अब एक्सेप्ट करके मुझे वापस करोगे कि नहीं करोगे? भाई आपका क्या भरोसा, आप इसे फाड़ के फेंक दो, खत्म कहानी, कोई सबूत ही नहीं बचा, तो मैं इसे अपने पास रखूंगा ना, मुझे पैसे लेने हैं, मैं इसको अपने पास रखूंगा हमेशा, तो आप ये मुझे वापस करोगे, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कुमार ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया मनीष को, मनीष ने उसको रखा, मनीष ने वो प्रेजेंट किया बिल जिसने कि उसको ऑनर कर दिया यानी पे कर दिया। तो थर्ड एंट्री में पेमेंट मिलेगी किसको, मनीष को, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं बैंक लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले
पैसा किसके अगेंस्ट मिलेगा? पैसा बीआर के अगेंस्ट मिलेगा, जो बीआर आपने सेकंड एंट्री में खड़ा किया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 10,000, 10,000। थर्ड, अब यहां पर ये पेमेंट करेगा बीपी के अगेंस्ट, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट, यहां पे मैं अमाउंट डालना भूल गया हूं, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। तो इसको पैसा मिला तो बैंक डेबिट मनीष की बुक्स में बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, और इसने पेमेंट की तो बीइंग पेमेंट मेड। क्लियर है जी? तो ये मैंने आपके साथ एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और समझाऊं, तो मैं मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। पहले मनीष ने गुड सोल्ड किए, तो मनीष के लिए डेटर बना कुमार, फिर मनीष को इस कुमार से एक बीआर मिला, तो ये कुमार कैंसिल हो गया। ये देखो, यानी आज की डेट में एंट्री क्या बनी? बीआर डेबिट टू सेल्स। फिर जब पैसा मिला तो ये बीआर भी कैंसिल हो गया, तो कुमार भी नहीं है बुक्स में, बीआर भी नहीं है बुक्स में, बुक्स में है सिर्फ बैंक एंड सेल्स। आप देख रहे हैं नेट इफेक्ट। ऐसे ही जब मैं कुमार की बुक्स में आया, तो कुमार की बुक्स में मैंने परचेस किया, तो मेरा सबसे पहले लाइबिलिटी बना मनीष, फिर मैंने उस लाइबिलिटी को कैंसिल किया और अपनी नई लाइबिलिटी बनाई बीपी, फिर जब मैंने पेमेंट की तो ये बीपी भी मेरा खत्म हो गया, तो मेरी बुक्स में नजर आया सिर्फ परचेजेस और बैंक। तो नेट इफेक्ट यहां पर मनीष की बुक्स में सेल्स और बैंक, नेट इफेक्ट कुमार की बुक्स में बैंक एंड परचेस। डन डन सर, मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। एक एक करके मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपके पास मतलब वो बंदा जिसके लिए वो बीआर है, जो सेलर है जिसको पैसा मिलेगा, उसके पास चार ऑप्शन होते हैं, वो बिल को अपने पास रखे टिल मैच्योरिटी, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बिल को आप डिस्काउंट भी करा सकते हो बैंक से, वो डिस्कस करेंगे हम। एंडोर्समेंट अगर हो जाए तो क्या होगा, ट्रांसफ़र अगर हम कर दें तो क्या होगा, कई बार हम बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के, भाई आप रखो और हमें इसकी पेमेंट करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपके साथ अब क्वेश्चंस की फॉर्म में इनको डिस्कस करूँगा। तो अब मैं आपके साथ आंसर नंबर 2 डिस्कस करूंगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे एक बार नज़र मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹3,000 ऑन 1 सितंबर 2008 एट 3 मंथ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई बात कि भाई किसने सेल किया या किसने परचेस किया, ऐसा उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। यहां पर बात क्या डिसाइड हुई, यहां पर यह हुई कि दिनेश को रिसीव हुई एक एक्सेप्टेंस, दिनेश को रिसीव हुई एक एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन में आपको बोला है कि दिनेश को एक एक्सेप्टेंस रिसीव हुई श्रीधर से कितने की, ₹4,000 ऑन 1 सितंबर 2008 एट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। दिनेश ने ये एक्सेप्टेंस डिस्काउंट कराई 9% पर एनम पर, और बैंक से इसने एक्सेप्टेंस कराई ऑन ड्यू डेट, श्रीधर पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, गिव द जर्नल एंट्रीज। अभी भी राम राज्य चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं होगी, ड्यू डेट पर पेमेंट होगी। पार्टी 2 बनी, एक दिनेश और एक श्रीधर। दिनेश को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई श्रीधर से, दिनेश ने वो एक्सेप्टेंस डिस्काउंट कराई अपने बैंक से, दिनेश ने वो एक्सेप्टेंस डिस्काउंट कराई अपने बैंक से कितने परसेंट पर, 9% पर दिनेश ने कराई। तो इसका मतलब बीआर किसके लिए है, बीआर दिनेश के लिए है, और बीपी किसके लिए है, बीपी श्रीधर के लिए है। अब इन द बुक्स ऑफ दिनेश
एंड इन द बुक्स ऑफ श्रीधर। ध्यान से देखना आप, सेल परचेज की तो एंट्री है नहीं, सीधा बस ये बोल दिया कि दिनेश को रिसीव हुई, दिनेश के लिए बीआर है, तो आप दिनेश में एंट्री करोगे बीआर को रिसीव करने की। भाई बीआर क्या होगा, एसेट होगा, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीधर, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीधर अकाउंट। यहां पर इसके लिए बीपी होगा, तो एंट्री होगी दिनेश अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। क्लियर है जी यहां तक कहानी? है कितने का चेक करो, 3000 का। बीइंग बी आर रिसीव्ड इसमें आप लिखोगे बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, इसमें आप लिखोगे बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, ये आपकी पहली पहली एंट्री हो गई, एक के लिए बीआर बन गया और एक के लिए बीपी बन गया। अब आगे बढ़ो, और फिर वो कहता है दिनेश ने उसी दिन अपना उस बिल को डिस्काउंट करा लिया 9% के अकॉर्डिंग। आपको ये चेक करना है कि वो बिल की डेट क्या है, बिल की ड्यू डेट क्या है, यानी कि उसका टर्म क्या है, कितने महीने बाद उस बिल की पेमेंट मिलनी थी, 3 मंथ्स बाद, लेकिन उसने तो आज ही अपना बिल डिस्काउंट करा लिया, 3 महीने का वेट ही नहीं करा। तो बैंक क्या कहेगा कि भाई मैं आपको दिनेश जी आज पेमेंट दे दूंगा, मान ली मैंने बात, बैंक कह रहा है ये पॉइंट, लेकिन मुझे इसके बदले में पैसा वापस कब मिलेगा, श्रीधर मुझे पैसा कब देगा, 3 महीने बाद। तो दिनेश जी मैं पैसा दूंगा लेकिन 3 महीने का ब्याज काटूंगा 9% के अकॉर्डिंग। तो दिनेश जी ने भी कहा चलो यार थोड़ा बहुत ही कटेगा, बाकी पैसा तो आ ही रहा है, पैसों की जरूरत है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, यहां पर एक वर्ड आता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कर लो, थर्ड एंट्री हो गई 1 2, यहां मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। आप कैसे निकालेंगे, बिल है कितने का, बिल है 3000 का, बिल है कितने का, बिल है 3000 का, क्या रेट है डिस्काउंटिंग चार्जेस के, 9%, कितने महीने का नुकसान होगा बैंक को, यानी कितने महीने बाद पेमेंट मिलेगी, 3 महीने बाद। तो 3 महीने का जरा चेक करते हैं हम लोग, 3000 का 9% डिवाइडेड बाय 12 × 3, ये आ रहा है बच्चे 67.5। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको 68 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी 68 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कि बैंक डिडक्ट करेगा, और 3000 में से बाकी पैसा जो बचेगा वो हमें मिल जाएगा। तो ध्यान से समझना बिल्कुल, दिनेश कराएगा इस काम को, जिसके लिए बीआर होता है वही इस काम को करवा सकता है, दिनेश को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 3000 माइनस 68, और जो 68 आपको नहीं मिले वो बनेंगे आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 68 आपका नुकसान, दिनेश को पूरे 3000 मिल सकते थे अगर दिनेश 3 महीने रुक जाता, बट दिनेश 3 महीने रुक नहीं पाया, उसको अर्जेंटली पैसे चाहिए थे, तो 68 रुपीज़ कम मिले, तो वो 68 रुपीज़ क्या हो गया, नुकसान हो गया। टू बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, आपका बीआर खत्म हो गया, पूरे 3000 का बीआर खत्म हो गया। थ्री थाउजेंड माइनस 68 2932, 3000 माइनस 68 2932 बीइंग बीआर डिस्काउंटेड। कमाल की बात पता है क्या है, इस दिन यहां पर
इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों सर? श्रीधर तो चुपचाप अपने घर सो रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है 3 महीने के बीच में आप क्या कराते हो, दिनेश क्या करा रहा है? 3 महीने बाद मुझे नींद से उठाना, श्रीधर कहता है। श्रीधर कहता है 3 महीने बाद मुझे नींद से उठाना, जिसके पास ये BR होगा मैं उसे 3,000 दे दूंगा चुपचाप। तो 3 महीने के बीच में अगर दिनेश ने डिस्काउंट कराया भी है तो क्या उसकी कोई एंट्री श्रीधर की बुक्स में होगी? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं होगी, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। अब 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट पर श्रीधर की बुक्स में एंट्री होगी, श्रीधर ने अपना वादा निभाया है। लिखा है ना यहाँ पे ऑन ड्यू डेट श्रीधर पेड द एंटायर अमाउंट या रिक्वायर्ड अमाउंट, पूरा 3,000 श्रीधर ने पे कर दिया है। तो एंट्री हो गई आपके पास BP अकाउंट डेबिट टू श्रीधर अकाउंट, सॉरी, ये लाइबिलिटी तो कम हो गई, ये पेमेंट इसने बैंक से कर दी टू बैंक अकाउंट। और आपको पता है बैंक पेमेंट किसे करेगा श्रीधर? क्या श्रीधर पैसा दिनेश को देगा 3 महीने बाद? नहीं भाई, दिनेश को तो पैसा मिल चुका, तो श्रीधर पैसा किसको देगा? श्रीधर पैसा देगा डायरेक्टली बैंक को। तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग BP मेट। तो कुल मिलाकर ये कहानी है आपके पास सिंपल सी, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, डन, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड हो गया मेरे पास। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैंने आपके साथ अभी अभी दो केस डिस्कस किए हैं अभी तक। एक केस जहां पर BR होल्डर ने BR को ड्यू डेट तक अपने पास रखा, और दूसरा केस जहां पर उसने बैंक से डिस्काउंट कराया। तीसरा देखते हैं जी क्या निकल कर आता है मेरे पास। ऑन 10th July 2008 यहां पर ये जो A है, ये बड़े वाला A है, A सोल्ड गुड्स टू B ₹4,3500 एंड ड्यू अपॉन हिम एट 3 मंथ्स अ बिल फॉर द अमाउंट। बिल उसने बना के दिया, बी ने बिल एक्सेप्ट भी किया, एंड आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर सी को। ड्यू डेट पर एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट, यानी ड्यू डेट पर जिसको पेमेंट मिलनी थी उसे मिली, जिसको पेमेंट करनी थी उसने की। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC। आइएगा, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी एंड इन द बुक्स ऑफ सी। सबसे पहले ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए ने गुड्स सोल्ड किए, तो ए में आप एंट्री करोगे क्या? बी को सोल्ड किए, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3500। थोड़ा सा मैं इसको बायफर्केट कर लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और बी में एंट्री होगी, बी में क्या एंट्री होगी? बी ने परचेज किया, तो बी में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ए से परचेज किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए की बुक में बी क्या बन गया? डेटर। और बी की बुक में ए क्या बन गया? लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर। सी अभी पिक्चर में नहीं आया। और इसमें ना ये सेम एंट्री जो आपकी हुई है ये हुई है 10th of July 2008 को। तो मैं बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंट्री की डेट डाल लेता हूँ 10th July एंड 10th July। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेम डेट पर 10th जुलाई को एक बिल बना जो कि ए के लिए बनेगा BR, BR अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बी का अकाउंट ख़त्म हो गया आपकी बुक्स में, फर्स्ट एंट्री में बी जो है वो डेटर था, अब वो बी ख़त्म हो गया और उसकी जगह नया एसेट आ गया क्या? BR 3500 बीइंग BR received, being BR received, ठीक है जी। और इसमें आप एंट्री करोगे BP की, तो इसकी जो लाइबिलिटी है A वो ख़त्म हो जाएगा, A's अकाउंट डेबिट
3500, टू बिल्स पेबल 3500। अभी भी सी पिक्चर में नहीं आया है। तो एक को बी आर मिला और एक पे आपने लिख दिया बींग बीपी एक्सेप्टेड, बींग बीपी एक्सेप्टेड। डन जी, डन। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर क्या हुआ? आफ्टर 10 डेज ए एंडोर्स द बिल टू सी। अब 10 दिन के बाद ए ने ये बिल किसको दे दिया? सी को। क्यों भाई? ए को कोई पेमेंट करनी होगी सी की, तो ए ने वो पेमेंट निपटाई। ए ने वो बिल किसको ट्रांसफर कर दिया? सी को ट्रांसफर कर दिया। 10 दिन बाद से हमारा मतलब है 20 जुलाई को। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए है, जो ए है उसकी बुक्स में क्या है? बी आर। वो बी आर हो गया ख़त्म, वो बी आर हो गया ख़त्म। तो टू बी आर अकाउंट, और ये किसको चला गया? सी को। सी इज अकाउंट डेबिट 3500, 3500। इसके अलावा हो गया सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर हो गया। अब बी की बुक में कुछ नहीं आएगा, सी की बुक में आएगा सीधा। अब क्या होगा? सी को मिलेगा ये बी आर, तो एंट्री हो गई बी आर अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? ए से, टू एज अकाउंट 3500, 3500। ठीक भाई कहानी यहां तक? अब ऑन द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट पर आपको क्या हो गया? एक्सेप्टेंस मेट हो गई है। तो पहले तो ये देखो ड्यू डेट कब आएगी, क्योंकि पीरियड कितना था इसका? ऑन 10 जुलाई बी एक्सेप्टेड 3 मंथ, 3 महीने का बिल है। तो अगर आप 10 जुलाई 2008 में 3 महीने ऐड करोगे, तो जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, ये आता है 10 अक्टूबर 2008, प्लस 3 दिन उसमें ऐड कर लो, तो ये आ गया आपके पास 13 अक्टूबर 2008। तो 13 अक्टूबर को कोई ऐसी छुट्टी तो होती नहीं, तो 13 अक्टूबर को पेमेंट होगी। अब ये पेमेंट कौन करेगा? 13 अक्टूबर की पेमेंट कौन करेगा? 13 अक्टूबर की पेमेंट बी करेगा। और 13 अक्टूबर की पेमेंट बी किसको करेगा? 13 अक्टूबर की पेमेंट बी करेगा सी को। तो अब जो मैं एंट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एंट्री होगी 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को सबसे पहले बी पेमेंट करेगा। तो बी ने जब पेमेंट की तो क्या एंट्री करेगा? बीपी कैंसिल, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो अपना बीपी टू बैंक करेगा सर, जिसके पास बीपी है आ जाओ ले जाओ पैसा, खत्म कहानी। पैसा किसको मिलेगा? पैसा मिलेगा सी को, क्योंकि बी आर सी के पास है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और इसको बी आर के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा 3500। क्या? अब मेरे से स्टूडेंट कहता है सर क्या एक ही बुक में कोई एंट्री नहीं होगी? भाई आप खुद देख लो, किसी टाइम पर एक ही बुक्स में बी आया एज अ डेटर, वो कैंसिल हो गया, फिर बी आर आया वो कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा? सेल बची, वो इनकम बनी, और सी बचा। तो ये सी तो हमारा क्रेडिटर था, अब वो क्रेडिटर भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के सी भी नहीं बचा, कुल मिला के सी भी नहीं बचा। तो सब आपस में कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा सर यहाँ। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे तो परचेज है, वरना ए से तो ए कट ही गया और बीपी से बीपी कट गया, तो क्या बचा? परचेज और बैंक बचा। सी की बुक्स में किसी टाइम पर ए खड़ा था एज अ डेटर, तो वो खत्म हो गया, बी आर खत्म हो गया, पैसा इसको मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, बस। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल चैप्टर्स है, नहीं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत 4 रुपीज 1000 पेबल 2 मंथ आफ्टर डेट। तो मोहन सिंह ने एक बिल ड्रॉ किया जगत पर, 1000 का पेबल हुआ 2 महीने बाद आफ्टर डेट।
Immediately after its acceptance, Ranbir Singh sends the bill to his bank for collection. जैसे ही उसको वो बिल मिला, रणबीर सिंह ने वो बिल सेंड कर दिया बैंक को फॉर कलेक्शन. ये था ना सर हमारा फोर्थ केस. मैंने चारों केस आपके लिए एक एक करके करा रहा हूँ. ड्यू डेट पे बैंक गेट्स द पेमेंट, मेक द एंट्री. पेमेंट हो गई सर, कोई टेंशन नहीं, पेमेंट हो गई है. आओ जी आओ, आंसर नंबर फोर. पार्टी बैंक कभी पार्टी नहीं बनेगी, बैंक की बुक्स में कभी एंट्री नहीं होगी. पार्टी बनेगी यहाँ पे मोहन सिंह और रणबीर सिंह. इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह एंड रणबीर सिंह. इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह एंड रणबीर सिंह सबसे पहली एंट्री. 1000 का बिल बना, मोहन सिंह के लिए बीपी होगा, रणबीर सिंह के लिए बीआर होगा. तो मोहन सिंह की बुक में आप एंट्री करोगे रणबीर, अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. 1000 का था ना, यस. रणबीर के लिए बीआर है तो रणबीर की बुक्स में एंट्री हो गई बीआर, अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह. 1000 1000 मोहन सिंह हो गया, रणबीर हो गया. सेकंड, इसके बाद रणबीर हो गया, मोहन हो गया. अब क्या हुआ, जिसके लिए बीआर है उसने वो बिल आगे भेज दिया किसको, बैंक को. तो इसकी बुक्स में तो एंट्री होगी नहीं, यहां पर एंट्री होगी. क्या एंट्री होगी, इसने बिल सेंड कर दिया टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये ना थोड़ी सी बड़ी होती है आपकी, कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर. बीआर आपका कैंसिल हो गया. 1000 1000 टू बी आर अकाउंट. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट. 1000 1000. अब क्या होगा, ड्यू डेट पर पेमेंट होगी. पेमेंट कौन करेगा, मोहन सिंह करेगा. तो मोहन सिंह एंट्री करेगा. क्या एंट्री करेगा, मोहन सिंह अपनी लाइबिलिटी खत्म करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मोहन सिंह अपनी लाइबिलिटी खत्म करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 1000 1000. और यहां पर आप लोग जो एंट्री करोगे, यानी रणबीर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, रणबीर को भी पैसा मिला, उसका बैंक इंक्रीज हो गया. और ये जो उसने बनाया था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आप ऐसी एब्रिवेशन यूज मत करना प्लीज. 1000 वो खत्म हो गया. मैंने शायद आपको सॉल्व करा हुआ है, एक बार आप कर लीजिए या एक बार आप पॉज करके नोट कर लीजिए. ये आपका आंसर नंबर वन है. मैंने जो स्टार्ट किया है वो यहाँ से स्टार्ट की थी आज का अपना लेक्चर. तो एक बार पॉज एंड नोट कर लीजिए. ये सबसे पहले आपके पास, फिर ये क्वेश्चन नंबर वन, फिर ये क्वेश्चन नंबर टू, फिर ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ. पॉज एंड नोट, देन क्वेश्चन नंबर फोर, पॉज एंड नोट. अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं और अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक पॉइंट पे जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. आपको याद है ना, हमने ये पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में. तो आपको याद है मैंने यहां पर आपको ये बताए थे कि भाई अदर एस्पेक्ट्स क्या होंगे, ये बिल एट साइट ये सब भी हम पढ़ेंगे, इसको मैं देखेंगे आराम से कि भाई डिसओनर ऑफ अ बिल क्या होगा, नोटिंग चार्जेस क्या होगा. अब हम इनके ऊपर बढ़ते हैं आगे. अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ बेसिक डिस्कस किया, एक राम राज्य को हमने एज्यूम किया, एक ऐसा समय जहां पर जिसको पेमेंट देनी है उसने पेमेंट दी, जिसको पेमेंट लेनी है उसको पेमेंट मिली, कोई टेंशन नहीं.
लेकिन डिसोनर ऑफ अ बिल होता है जब ड्यू डेट पर जिसके लिए बीपी है उसने पेमेंट करनी थी लेकिन उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। उसने कहा कुछ भी कर लो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। वो है सर गड़बड़ सिचुएशन। वहां क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। आ जाओ जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी के ऊपर ना, डिसोनर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 20 मार्च 2008 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश टू द वैल्यू ऑफ ₹1,250 टेकिंग अ बिल एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। तो 20 मार्च 2008 को गुड सोल्ड हुए। किसको गुड सोल्ड हुए? कैलाश को। क्या वैल्यू है? 1250। बिल बना कितने महीने का? 3 महीने का फॉर द अमाउंट। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। लो जी मैच्योरिटी पर बिल डिसऑनर हो गया। नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि सर ये नोटिंग चार्जेस क्या हैं। तो समझिएगा ध्यान से कि भाई मैं कौन हूं? नरेश। और आप कौन हैं? आप हैं कैलाश। नरेश ने कैलाश को गुड सोल्ड किए, मेरे पास बीआर आ गया, ड्यू डेट पर मैं आपसे पैसे मांगने गया, आपने दिखा दिया ठेंगा, पैसे नहीं देंगे नरेश जी, चले जाओ यहाँ से। ओहो बड़ी दिक्कत वाली बात हुई सर ये तो। अब क्या करें नरेश? नरेश कोर्ट के पास पहुंचा। कोर्ट ने पूछा सबूत क्या है? क्या सबूत है कि कैलाश ने पैसा देने से मना किया? अब नरेश के पास कोई सबूत तो है नहीं, कैलाश भी कोई साथ में तो उठ के आया नहीं है। तो नरेश ने कहा यार ये बात भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए था मुझे। नरेश वापस आया। अब नरेश ने पकड़ा एक नोटरी पब्लिक, इन शॉर्ट आप एडवोकेट समझ सकते हो, एक वकील साहब को पकड़ा। उन वकील साहब को अपनी कहानी सुनाई और बोला आप मेरे साथ चलो। वकील साहब नरेश के साथ गए किसके घर? कैलाश के घर। फिर दोबारा वकील साहब की अब उपस्थिति में, वकील साहब की प्रेजेंस में नरेश ने कैलाश से बोला भाई पैसे दे दे। कैलाश ने अब दो ठेंगे दिखा दिए, एक नरेश को एक वकील साहब को। लो जी लो। अब वकील साहब ने इस बात को नोट कर लिया है, नोटिंग कर ली है वकील साहब ने कि जी ऐसे ऐसे फलाना डेट पर फलाना एड्रेस में फलाना बंदे के पास हम लोग गए थे जहां मिस्टर नरेश ने पैसा डिमांड किया लेकिन मिस्टर कैलाश ने पैसा नहीं दिया। नोटिंग हो गई। ये नोटिंग जो है ये बनेगा प्रूफ, इसे लेकर नरेश दोबारा कोर्ट जाएगा। तो वकील साहब ये जो नोटिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत वाला, इतना पसीना बहाने वाला काम जो इन्होंने किया है, उसके लिए वो जो चार्जेस लेते हैं उसको कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? पहले तो वो पे करेगा जिसको पैसा चाहिए, यानी जिसके लिए बीआर है। तो पहले तो वो पे करेगा जिसके पास लिए बीआर है। भाई नरेश को पैसा चाहिए तो नरेश वकील लेकर जाएगा ना, कैलाश थोड़ी लेकर जाएगा। लेकिन जब नरेश केस जीत जाएगा और कैलाश पैसा देगा तो कैलाश, ये जो खर्चा नरेश का हुआ वो कैलाश की वजह से हुआ, तो कैलाश वो पैसा भी देगा। तो पहले पैसा जाएगा बीआर होल्डर की जेब से, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा नहीं रिकवर होगा किससे? जिसके लिए वो बीपी होगा। क्लियर हो गया है जी? मुझे एंट्री करनी है नरेश की बुक में और कैलाश की बुक में। 1 जुलाई कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1,250। उसने 1,250 पे किए। मेक एंट्रीज। चलो इस पे भी आएंगे अभी हम। आंसर नंबर 5। इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड इन द बुक्स ऑफ कैलाश। सबसे पहले 20 मार्च नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। 20 मार्च नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट क्या है भाई? कितने के गुड्स सोल्ड हुए? 1,250। 20 मार्च कैलाश परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश। परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू नरेश 1250, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड बीइंग गुड्स परचेस्ड। 20 मार्च हो गया भाई, नरेश ने गुड्स सोल्ड किए, कैलाश ने परचेस किए, और उसी डेट पर एक बिल बना 3 महीने का, सेम डेट पर बिल बना, तो कि वो बिल बीआर होगा किसके लिए, वन हु सोल्ड गुड्स फॉर नरेश, बीआर अकाउंट डेबिट टू कैलाश 1250 1250। 20 मार्च कैलाश के लिए बीपी हो गया, नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1250 1250। बीइंग बी आर रिसीव्ड, बीइंग ये बीपी होगा भाई, ये बीपी होगा, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। कहानी यहां तक भी ठीक थी, हमें समझ आ रही थी, आगे बढ़ते हैं। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसओनर्ड, मैच्योरिटी पे बिल हो गया डिसओनर, 10 रुपये लगे नोटिंग चार्जेस। अब ध्यान से समझना भाई, पहले तो मैच्योरिटी कब आएगी, 20 मार्च का बिल है और कितने महीने का, 3 महीने का, तो 20 मार्च प्लस 3 महीने, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, 20 जून प्लस 3 दिन, तो 23 जून, 23 जून आपकी ड्यू डेट आ गई। इस 23 जून को क्या होगा, इस 23 जून को बीआर हो गया डिसओनर, तो ये जो बीआर है जिसको लेकर नरेश खुश हो रहा है, ये बेकार निकला, टू बीआर अकाउंट, ये बेकार हो गया। यहां तक कि नरेश की खुद की जेब से 10 रुपये नोटिंग चार्जेस भी पे हुए। अब नरेश क्या कहेगा कि भैया कैलाश तुमने तो बड़ा नुकसान कराया, 1250 तुम्हें देने थे लेकिन अब मैं तुमसे 1260 लूंगा कैलाश, एक एक रुपए का बदला तेरे से लूंगा मैं, अब 1260 लूंगा। क्यों लूंगा 1260, 1250 तो बीआर के लूंगा, वो तुझे देने थे तूने नहीं दिए, 10 रुपये कैश के मेरी जेब से गए, वकील साहब को दिए थे, वो भी मैं तेरे से लूंगा। नरेश ने अपनी बुक्स में ये एंट्री की, 23 जून को कैलाश क्या करेगा, कैलाश कहेगा बीपी अकाउंट डेबिट, यार बड़ी दिक्कत हुई, पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो मेरा बीपी बेकार हो गया, 1250 का कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और तो और एक खर्चा और आ गया मेरे ऊपर, नोटिंग चार्जेस डेबिट 10 रुपये का, और ये टोटल 1260 मुझे किसे लौटाना है, ये टोटल 1260 मेरा नरेश अकाउंट, मुझे नरेश को लौटाना है 1260 रुपये, टोटल 1260 मुझे नरेश को लौटाने हैं, बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। बीइंग बी आर डिसऑनर्ड, बीइंग बीपी डिसोनर, तो बी आर भी डिसोनर हो गया और बी पी भी डिसोनर हो गया। क्लियर हो गई कहानी सर, कहानी तो क्लियर हो गई। यहाँ पे कहता है ऑन 1 जुलाई कैलाश क्लियर इज अकाउंट बाय पेइंग रुपीज 1260, करना यहाँ कम नहीं हो सकता, 1260 ही होगा भाई, 10 रुपये तो आपको देने ही है ना फालतू। तो अब 1 जुलाई को कैलाश को, नरेश को पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1260, किसने दिया, कैलाश ने दिया, टू कैलाश अकाउंट 1260। 1 जुलाई को कैलाश ने पेमेंट कर दी नरेश को, तो नरेश जो उसकी लायबिलिटी है वो खत्म हो गई, टू बैंक, ये उसने पेमेंट कर दी कितने की, 1260 की, ये उसने पेमेंट कर दी कितने की, 1260 की। बस जी ये कहानी थी आपकी।
being amount received being अमाउंट पेड। जी ये पूरी कहानी थी, एक बार और समझाऊं आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आराम आराम से ध्यान से समझो। नरेश, नरेश ने गुड्स बेचे कैलाश को, कैलाश क्या बन गया? उसका डेटर। लेकिन जैसे ही बीआर मिला, कैलाश कैंसिल और नया एसेट क्या आया? बीआर। फिर ये बीआर हो गया डिसओनर, तो ये बीआर हो गया कैंसिल, और दोबारा मैंने अपना डेटर किसको बना लिया? कैलाश को बना लिया। दोबारा जा रहा था सर कैलाश बीआर देगा, मैंने यूं पकड़ के खींच लिया, कहाँ जाते हो भैया, जो बीआर दिया था वो बेकार हो गया, मेरे पैसे दो। और इस बार 1260 नहीं 1250 का तो बीआर था, 10 रुपये कैश में भी लगे हैं, टोटल 1260 दो। और फिर उसने मुझे 1260 दिया, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी कैलाश अपना कैलाश जिसको मैंने डेटर बना रखा था उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, ऐसे ही अब अगर मैं कैलाश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊँ, तो परचेज किया था, लाइबिलिटी बनाई थी नरेश, फिर वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, क्रेडिटर ख़त्म हो गया, नई लाइबिलिटी आ गई बीपी, फिर वो बीपी भी ख़त्म हो गया और लाइबिलिटी दोबारा नरेश बनी, लेकिन ज़्यादा से। सर ये नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा जिसके लिए बीपी है उसकी बुक्स में, इस चीज़ को ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा जिसके लिए बीपी है उसकी बुक्स में। क्यों? क्योंकि फाइनल खर्चा उसी का है नोटिंग चार्जेस के रूप में। यहाँ सिर्फ क्या होगा, यहाँ सिर्फ कैश होगा, जिसके लिए बीआर है उसके लिए सिर्फ टू कैश होगा, नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश। डन हो गया जी, तो एक बार नोट कर लो, पॉज एंड नोट खेलो। ये यहाँ तक हो जाएगा आपका पॉज एंड नोट। यह आपका फाइनल यहाँ तक का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं जी, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बच्चे। ऑन 1st March 2008 आर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹20,000 फ्रॉम एस, पेएबल 3 मंथ आफ्टर डेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है जी, क्या कहता है? 1 मार्च 2008 को आर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया 20,000 का एस से 3 महीने के लिए, आफ्टर डेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ऑन द सेम डे, उसी डे पर एस एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू टी, एस ने एंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज टी को टूगेदर विद अ चेक ऑफ 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट टू द लेटर। बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखेंगे। एस ने वो बिल जो उसको मिला किससे मिला? आर से। एस ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया किसको? टी को, साथ ही साथ 5,000 और दिए, 20,000 का बिल एक्सचेंज, 5,000 का चेक, टोटल 25,000 दिए। क्यों भाई? इतना ही पैसा देना होगा एस का टी को। 2 मार्च को टी ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया 6% पे विद हिज बैंकर, मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया डिसऑनर्ड। ले भैया, बड़ा बिल को घुमा रहे थे ना इधर उधर, आर ने एक्सेप्ट किया, आर ने कहा लो बिल, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खुश रहो। और वो बिल किसके हाथ में पहुंचा? एस के पास। एस को मिलने के बाद वो बिल एस ने आगे किसको दिया? एस ने वो बिल आगे दिया टी को, और टी ने उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब ड्यू डेट पे हो गया डिसऑनर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोर हो गए हो रेड से तो हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। आंसर नंबर 6, मैं आपके सामने एक पूरी की पूरी सीक्वेंस रखता हूँ। आर, आर ने ये बिल एक्सेप्ट किया, यानी आर के लिए एक तरीके से ये बीपी होगा, ठीक है। और आर से ये बिल मिला किसको? एस को मिला। एस ने ये बिल आगे किसको एंडोर्स कर दिया? टी को एंडोर्स कर दिया। टी ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटिंग,
बैंक, लेकिन ड्यू डेट पर, अब ये जो कहानी हुई थी ना शुरू 1 मार्च 2008 को हुई थी, इस 1 मार्च 2008 में ये बिल है 3 महीने का प्लस 3 मंथ, तो मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई टू जून, 1 जून 2008 प्लस 3 दिन, 4 जून 2008 इसकी ड्यू डेट थी। अब इस ड्यू डेट पर बैंक बैंक जाएगा पैसा मांगने, बैंक जाएगा पैसा मांगने किसके पास? आर के पास। लेकिन आर ने कर दिया डिसऑनर, आर ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं देता। ये क्या हुआ सर? अब मुझे बता सकते हो बैंक पैसा किससे मांगेगा? अब बैंक पैसा मांगेगा टी से, और टी पैसा किससे मांगेगा? टी पैसा मांगेगा एस से, और एस पैसा किससे मांगेगा? एस पैसा मांगेगा आर से। तो इस कहानी को इस तरीके से समझना, अब मुझे तीनों की बुक बनानी है, बैंक की छोड़कर आर की, एस की और टी की। इन द बुक्स ऑफ आर, इन द बुक्स ऑफ एस एंड इन द बुक्स ऑफ टी, सबसे पहले 1 मार्च को आर ने एक्सेप्ट किया है, तो 1 मार्च को एंट्री करो, आर के लिए बीपी हो गया, तो एंट्री हो गई एस अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अमाउंट चेक करें भाई कितने का है, अमाउंट है 20,000 का, अमाउंट आ गया 20,000 का 1 मार्च को। 1 मार्च को ही एस एस को मिला, तो एस के लिए बीआर हो गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला ये? आर से, आर से अकाउंट। टी अभी पिक्चर में नहीं आया, टी को तो एंडोर्समेंट होगी, जब उसको एंडोर्समेंट होगी तब टी पिक्चर में आएगा। 1 मार्च के बाद क्या हुआ अब समझना। ऑन 1 मार्च आर एक्सेप्टेड द बिल, डन। ऑन द सेम डे एस एंडोर्स द बिल टू टी, अब एस ने एंडोर्स कर दिया ऑन सेम डे 1 मार्च को, एस ने बी आर उठाकर टी को दे दिया, टीज अकाउंट डेबिट, खाली बी आर नहीं दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, साथ ही साथ एक चेक भी दिया है, यानी टू बैंक अकाउंट भी होगा, 20,000 का बी आर, 5,000 का चेक, टोटल आ गया 25,000 1 मार्च को। और इसी 1 मार्च को टी को पैसा मिला और बी आर मिला, तो बी आर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? एस से, एस अकाउंट टू एस अकाउंट। बी आर कितने का था? बी आर था 20 का, चेक कितने का मिला? 5 का, टोटल कितना हो गया? 25,000। ये मेरी 1 मार्च की एंट्री, जिस डेट पर पहले आर और एस के बीच में डील हुई, फिर एस और टी के बीच में डील हुई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑन 2 मार्च टी डिस्काउंटेड द बिल विद इज बैंकर एट 6% पर एनम। अगले ही दिन 2 मार्च को टी ने बिल करा लिया डिस्काउंट। ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बी आर कैंसिल हो जाएगा, टू बी आर, कितने का बी आर था? 20,000 का। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ आपको, 20,000 का बिल 6% कितने महीने के लिए? पूरे 3 महीने के लिए, क्योंकि अभी एक ही दिन बीता है बस, और एक दो दिन काउंट नहीं होते। हाँ, अगर वो ये कहता कि 2 मार्च की जगह मान लो वो कह देता मैंने 2 अप्रैल को कराया डिस्काउंट, तो इट मीन्स बिल बने हुए 1 महीना हो चुका है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उस 2 महीने के लिए बैंक डिस्काउंट चार्जेस सिर्फ 2 महीने के काटता।
अगर सेकंड मे को वो डिस्काउंट कराता, यानी 2 महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1 महीने का कटता। अभी पूरा 3 महीने का कटेगा। चेक करें भाई कितना आएगा। आ जाओ जी, 20,000 का 6% डिवाइड बाय 12 × 3, 300। 20,000 का 6% × 3 डिवाइड बाय 12, 300 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्जेस है। ये 300 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पर आएगा। 20,000 माइनस 300, 19,700। 20,000 माइनस 300, 19,700 आपको मिला। जिस दिन टी अपना बैंक से डिस्काउंट कराएगा, क्या एस को या आर को कानो कान कुछ खबर होगी? नहीं होगी सर, ना तो एस को कोई फर्क पड़ता। एस तो देखो, बीपी देकर, एस तो आर तो बीपी देके चुप बैठा है, कहता 3 महीने बाद आना भैया जो भी आएगा, अब उससे पहले मैं एंटरटेन ही नहीं करूँगा। कुंभकर्ण है, 3 महीने बाद उठूँगा मैं तो, तभी आना। एस भी कहता है भाई मेरे को क्या पता, 3 महीने बाद देखेंगे। आप आपने डिस्काउंट कराया, आपको देखना है। अब 3 महीने हो गए ऑन मैच्योरिटी, 3 महीने हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया डिसओनर। सर अब डिसओनर की एंट्री हमेशा वहां से शुरू करना जिसके पास बीआर हो, यानी उल्टी चेन चलाना। जैसे ये चेन थी ना आपकी, तो यहां से शुरू होगी, लेकिन बैंक की एंट्री तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं बैंक के लेजर नहीं बना रहा, वो नहीं होगा। तो कहां से स्टार्टिंग होगी? टी, उसके बाद एस, उसके बाद आर। तो पहले टी की बुक्स में आ जाओ। अब क्या डेट है भाई? मैच्योरिटी डेट मैंने निकाली थी क्या? नहीं, मैंने अभी निकाली नहीं है। वैसे ही निकाल लो, 1 मार्च में 3 महीने डालो, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, और 4 3 दिन ऐड करोगे तो 4 जून। 4 जून को बैंक का फोन आता है टी के पास कि मिस्टर टी पैसे नहीं मिले हैं सर हमको, हम मांगने गए थे। किससे? आर से। बैंक कह रहा है रोते रोते, सर हम आर से पैसा मांगने गए थे, आर ने पैसा नहीं दिया, हाथ खड़े कर दिए। तो टी कहता है मैं क्या करूं फिर? बैंक कहता है अरे सर आप क्या करो, हमने आप ही को पैसा तो दिया है, हम थोड़ी आर को जानते हैं, आर पैसा नहीं भी देगा तो हमें फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, हम तो आपसे लेंगे। टी कहता अच्छा जी, तो फिर क्या करोगे? बैंक कहता हम तो आपके अकाउंट से काट रहे हैं सर, आप जानो, आपका काम जाने। अब ध्यान से समझो सर क्या हुआ टी के साथ। टी के अकाउंट से पैसा कट गया, तो टी का बैंक हो गया कम टू बैंक, पूरा 20,000। ऐसा नहीं कि 19,700 दिया है तो 19,700 काटेगा, फिर बैंक को फायदा क्या हुआ? 300 रुपये तो बैंक की इनकम है ना, उसको तो पूरा 20 मिलना है। टी कहेगा काट लो भाई, मेरे बैंक से काट लो, मैं पैसा मांगूंगा। मैं किससे मांगूंगा? मैं एस से मांगूंगा, क्योंकि टी को ये बीआर किससे मिला था? टी को ये बीआर एस से मिला था, टू एस अकाउंट। भूल गए आप लोग? 20,000 दिए थे और 5,000 का चेक दिया था, तो चेक तो क्लियर हो गया, इशू वो नहीं है, इशू है 20,000 का। टी ने फोन मिलाया एस को कि एस भाई वो जो बीआर दिया था वो तो बाउंस हो गया, वो तो किसी काम का नहीं रहा, तो अब क्या करना है? एस कहता है कोई बात नहीं, मेरे से पैसा ले लेना। तो टी ने कहा ठीक है जी, मैं एस के अकाउंट को डेटर बना लेता हूँ दोबारा से, एस अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक। ठीक है अब आ जाओ एस में। एस 4 जून को कहता है यार बड़ी गड़बड़ है, लेकिन एस भी ऐसा थोड़ी है कि आर को छोड़ देगा। एस पैसा किससे मांगेगा? आर से मांगेगा, और किसको देगा? टी को देगा, वही 20,000। अब आ जाओ आर में। आर सिंपल है सर, बेचिंतित आदमी है, कहता मेरा बीपी था कैंसिल हो गया, मान ली बात, क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है। नहीं है ना कि वैसे ही बोल दिया मैंने? नहीं है। तो टू आर क्या कह रहा है? बीपी कैंसिल, लाइबिलिटी खत्म, नई लाइबिलिटी बनाऊंगा। किसको? एस को। सर अगर चैन से समझोगे, पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो समझ आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर भागने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा। अच्छा नरेशन इनमें कुछ खास नहीं है, सेम होती है, बीइंग बी आर डिसोनर। बीइंग बी आर डिसोनर, बच्चा कहता है
कि सर एक बात तो बताओ, ये बीआर का क्या हुआ, ये बीआर क्यों नहीं कैंसिल किया आपने, ये बीआर यहाँ कैंसिल यहाँ भी नहीं करा। सर बीआर तो पहले कैंसिल हो चुका है ना, जैसे अगर मान लो आप टी की बात करो, टी को बीआर मिला, लेकिन ये बीआर तो उसने बैंक को दे दिया था ना, तो इसके हाथ में बीआर थोड़ी था। ऐसे ही यहाँ पर एस को बीआर मिला, लेकिन ये बीआर उसने टी को दे दिया था, वो टी के पास था, तो बीआर तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। बीइंग बीआर डिसओनर यहाँ भी सेम है, बीइंग बीपी डिसओनर। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी तक, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे सर, थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन बेसिक से स्ट्रॉन्ग करके कि मेरे कोशिश है अर्थात प्रयास है मेरे। आंसर नंबर 6, पोज एंड नोट। अगेन आंसर नंबर 6, पोज एंड नोट। इन दोनों का कर लेना, उसका मैं दिखाता हूँ दोबारा से। ये टी की एंट्री है, टी की एंट्री अलग थी, तो पोज एंड नोट। ठीक है जी, 6 क्वेश्चन हो गए आज हमारे। लेक्चर को यहीं रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत आए। पहले इन 6 लेक्चर्स को रिवाइज करो, सॉरी, पहले इन 6 क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर प्ले करने से पहले इन 6 क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लेना, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।